नमस्कार दोस्तों, मैं सजीव कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। एक बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे 50,000 लोग जो सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन 100 करोड़ लोगों ने तो जरूर मेरे वीडियो देखा होगा अभी तक, क्योंकि मैं 2009 से वीडियोज को रन करवा रहा हूँ यूट्यूब पे अपलोड करके। आज मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ किसी एक्सेल की टॉपिक पे नहीं या किसी और चीज़ों पे नहीं। आज हम आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल चीजें शेयर करने वाले हैं आपके साथ। सबसे पहले न्यू टी शर्ट है, ज़रा महंगी नहीं है, सस्ती है, बॉल्स रहेंगी। अभी मैंने अपनी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी 6 महीने से, तो मैंने अपना शुगर लेवल जांच करवाया तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। 225 फास्टिंग में है और पीपी जो है खाने में 2321 है और ये नॉर्मल रेंज से काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है। अब क्यों बढ़ा, ये सीजन के मौसम है, ये डिस्कस करने का एक है। उससे पहले मैं आपको अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताता हूँ। सुबह 5 बजे उठ जाना है क्योंकि 5:30 बजे मैं पहली क्लास लेना शुरू कर देता हूँ और करीब 2 बजे तक लेता हूँ। उसके बाद फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लेके फिर 5-6 बजे से चालू कर देता हूँ क्लासेस को, जो कि रात की 12-1 बजे तक चलता है। आपने देखा ही होगा कि मैं 11-12 बजे भी यूट्यूब पे लाइव रहता हूँ। फोन 24 घंटा उठाता हूँ, कभी भी सोया भी हूँ किसी ने फोन कर दिया तो मैं वो फोन का आंसर करता हूँ, उनको रिप्लाई करता हूँ, चाहे रात के 1 बजे हो या 2 बजे हो। बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सेल के बारे में जानते हैं, समझाते हैं। नशा कोई नहीं है, ना ड्रिंकिंग, ना स्मोकिंग, ना गुटखा पानी, एनीथिंग, नोथिंग, कभी चैचू नहीं किया। एक्चुअली चाय भी 6 महीने सालों पे किसी दोस्तों के यहाँ गया तो पी लेता हूँ। ये कमरे से बाहर जो मैं 15-20 दिन पे निकलता हूँ जब कोई अर्जेंट काम आता है, जैसे बैंक्स के काम हो गए, मेरे गैर वगैरह नहीं होगा या मॉम डैड से मिलना हो गया, बल्कि नहीं, मेरे मॉम डैड रहते यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे, उनसे मिलना हो गया तो मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, जब कमरे में ही बंद रहता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर देख रहे, पेट काफी बड़ा है, वजन 95 kg से घट नहीं रहा है। 6 महीने पहले, सबसे पहले, इससे पहले मैं अपने आप को स्वस्थ, 6 महीने पहले से पहले मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता था। मैं कहता था मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, कभी भी सर्दी खांसी बुखार वायरल हो जाता था, कभी झूठ भी बोल देता था, वो था उसके अलावा। लेकिन 6 महीने पहले प्रॉब्लम हुई पैर के दर्द, चेक करवाया, यूरिन एसिड का लेवल बढ़ा हुआ। 3 महीने या 1.5 महीने पहले पता चला कि ब्लड पसीने बहुत ज्यादा, पसीने अभी भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीना आता था, एक क्लास देता था पसीने ज्यादा आते थे, पता चला कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 98/145। अब यूरिन में प्रॉब्लम थी तो हमने जहां डॉक्टर से मिला, डॉक्टर सिद्धार्थ यूरोलॉजी के है, उन्होंने ब्लड शुगर का रिपोर्ट दिया और बताया कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड हमारा बढ़ा हुआ है और ब्लड तो मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब से करवाया हूँ, कोई इधर उधर से नहीं करवाऊँ, रिपोर्ट गलत हो सकता है। अब ये सोचने की बात है आखिर बढ़ा क्यों, शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यूरिन एसिड हो गया, क्यों? मैंने तो आज तक किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं किया और जहां तक मैं अभी अगर बात करूँ 4 सालों से, तो मैं 4 सालों से बाहर का खाना खाता ही हूँ, घर का खाना खाता हूँ और घर के खाने का सामान भी हमारे गांव के खेतों से आता है, मार्केट से नहीं आता है, फिर भी मैं पिछले करीब 1.5 साल से अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत हकमले अपनाए, जॉगिंग, फिजिकल एक्टिविटी तो पता ही है रहता है नहीं हो पाता है, फिर भी कोशिश किया, डाइटिंग, खाना कम कर दिए। पहले नॉनवेज बहुत खाता था लेकिन अब नॉनवेज मैंने बहुत कम कर दिए। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो मेरा एक मेरे पुराने दिनों का फोटो मिलेगा जिसमें मेरा वजन था ओनली 55 kg और अभी मेरा वजन है 95 kg, जो कि
करीब एक एक क्विंटल पार था, फिर मैंने कुछ किए हैं तो 5-10 जी कमाया। अब आप एक वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बता, आप लोग मुझे बताएं कि मेरे लाइफ स्टाइल में क्या कमी आई, इस कारण से मुझे इतने सारे बीमारियों ने जकड़ लिया। यूरिन लेवल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया, और भी अब आने वाले हैं, कंटिन्यू एक सरप्राइजेस दे रहे हैं मुझे। जबकि मेरा लाइफ स्टाइल वही है, मैं बाहर का खाना नहीं करता हूँ, घर का खाना खाता हूँ, तेल मसाला भी ज्यादा यूज नहीं होता हमारे घर में, होता भी है तो अपने हाथों से बना हुआ होता है, मार्केट का नहीं होता है, केमिकल ही नहीं होता है, कोई बुरी लत नहीं है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग कोई ऐसा चीज है नहीं, घर से बाहर कम निकलता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, 18 घंटे का काम करता हूँ, 4 घंटे की नींद लेता हूँ, और बाकी के 2-4 घंटे बाकी काम चला जाता है, और सारे काम डिटेल नहीं बता सकता। 4 से 6 घंटे का नींद होता है, 4 घंटे रात की नींद होती है, और दोपहर में 2 घंटे की होती है नींद, लेकिन दोपहर की 2 घंटे की नींद हमेशा नहीं ले पाता हूं। ये फॉल्ट है, क्योंकि कभी टाइम मिला रहा, कभी बाहर चला गया तो नहीं लिया, कभी कोई क्लासेज आ गई कि बच्चे ने उठा दिया, किसी ने कॉल कर दिया, किसी की प्रॉब्लम आ गई तो केस नहीं लिया। पर 14 घंटे 17 घंटे तो क्लासेस में बैठ के इस पे लेता हूँ, रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मैंने जो एक्सेल की जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एडवांस एक्सेल की जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैंने किसी ट्रेनर से नहीं सीखा हुआ है। आप मेरे वीडियोज को एक्सप्लोर करके देखेगा, आप लोगों ने नहीं देखा है, तकरीबन 2500 से ऊपर वीडियोज मैंने अपलोड किए हुए हैं, और सारे वीडियोज जो है हमारे वर्किंग लाइफ से जुड़ी हुई हर एक एग्जाम्पल पे है। मैंने 18 कंपनियों में 14 साल में काम किया, अभी भी बहुत सारे कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो उनपे होने वाले प्रॉब्लम्स को ही अपने स्टूडेंट्स को एज ए टॉपिक बना के रखता हूँ और उनको बताता हूँ, और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को ने थाली ने टोस के दे दिए, आई थिंक 6 से 7 साल का लगन था सर मेरा मेहनत था, बिकॉज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोई बड़ा डिग्री ले सकता, जैसे कि MBA, MTech, BTech वगैरह, तो मुझे अपना करियर डिसाइड करना था। हालांकि मैंने आगे चल के हायर स्टडी की, लेकिन अपने पैसों से की, लेकिन उस समय नहीं था कि मैं काम छोड़ के पढ़ाई करता। तो मैं 10th क्लास पास करते ही कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पकड़ ली, 3 महीने के बाद कंप्यूटर की ट्रेनिंग, और बाकी जो चीजें सीखा ये हमने ऑफिस के थपेरे खा के सीखा और बड़ी मेहनत से सीखा। और आप जान सकते हैं 10th पास करने के बाद मेरी उम्र 16-17 साल ही रही होगी। बात में मिला के बहुत रोता था सर, बहुत घर की याद आती थी, पर घर जा नहीं सकता था क्योंकि घर से भाग के गया था, डैड ने आगे पढ़ने से मना कर दिया था, खेतों में काम करने के लिए बोला, मेरे खेत से बिजनेस थे और हम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी जो खेतों में काम कर रहे हैं उनकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं तो दर्द होता था। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, इस कारण से मुझे पढ़ाई भी करनी थी और पैसा भी कमाना था, तो बड़ी मुश्किल से हमने इसको सीखा था। और उसके बाद हमने बहुत सारे हमारे दोस्तों ने बोला कि सर मुझे सिखाओ, तो मैंने उनको सिखाना स्टार्ट किया। बचपन से मुझे बोलने की आदत है और मैं अच्छे से बात बोलता था, पंचायत वगैरह लगती थी उसमें भी बोलता था, किसी की कोई प्रॉब्लम होगी उसमें सजेशन देता था, और मेरे सजेशन सबको पसंद आते थे कि हाँ सुजीत अच्छा सजेशन देता है, अच्छी सलाह देता है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, खेती से रिलेटेड हो, या फिर काम होने से रिलेटेड हो। तो यही जो है मेरी काबिलियत, यही जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो कि ट्रेनिंग में काम आया, और ट्रेनिंग में भी मैं अच्छा एक्सप्लेन करने लगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हूँ एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइस का, नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं आम भाषा में आपकी आपके दिमाग को समझकर आप जिस तरह से समझेंगे उस तरह के एग्जाम्पल बना के आपको हम बता देता हूँ। मुझसे भी दिग्गज दिग्गज होंगे इंटरनेट पे और लोगों में इसमें जो एक्सेल ज्ञाता होंगे, लेकिन आप मेरी वीडियोज आप देखते हैं, और ये मैंने बोला हूँ उनके बच्चों के कमेंट्स एंड फोन पे थैंक यू के लिए, दिन में कम से कम 100-150 फोन तो थैंक्स के लिए आ जाता है, सर थैंक्स आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत इम्प्लीमेंट हुआ, और मैंने उसको अपने ऑफिस इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा अपने एक्सेल को इम्प्रूव किया, अपने काम को इम्प्रूव किया। ये
आते हैं, बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो उनसे रिलाइज किया कि उनको बहुत पसंद आ रहा है वीडियोज लोगों को और सारे जैगन प्रयोग करते हैं। तो मैंने जब 2014-15 में मैंने जब अपनी YouTube पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने जो SEO वगैरह वेबसाइट की मार्केटिंग पंपलेट वगैरह मुझे करवाते थे, मैसेजेस ईमेल्स, वो हमने बंद कर दिए। हमने बोला कि जो YouTube पे स्टूडेंट देखेगा, जो मेरा फैन बनेगा, वही मुझसे क्लासेस लेगा। और अभी तो वही आ रहा है, मेरे 95 स्टूडेंट, चाहे वो इंडियन हो या NRI हो, आउट ऑफ इंडियन हो, और हर प्रोफाइल से। ऐसा नहीं है कि जस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर या एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग आते हैं। मेरे पास डॉक्टर भी सीखने के लिए आए हैं, मेरे पास इंजीनियर भी सीखने के लिए आए हैं, मेरे पास साइंटिस्ट भी सीखने के लिए आए हैं, मेरे पास डायरेक्टर लेवल के भी आए हैं। तो उन लोगों को मैंने सिखाया और हमने सिखाया उनके काम के रिलेटेड करना। अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी मेहनत और इतनी संघर्ष के बाद जो मैंने नॉलेज पाया, अब वो नॉलेज को आगे इम्प्रूवमेंट में नहीं कर पा रहा हूँ ड्यूरिंग द बीमारी, ये मेडिसिन कभी खाता नहीं था, खाने में पड़ रहा है और जिंदगी होपलेस होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा या रहूंगा तो हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहूंगा, नाश्ते में रोटी की जगह पर दवाई खानी पड़ेगी, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो आप लोगों को इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा हूं। मेरे वाइफ ने भी, मेरे ब्रदर ने भी और मॉम ने भी बोला कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, कमरे से बाहर निकलो, घूमो, काम भी करो, साथ में अपना टाइम को बढ़ाओ, जिम ज्वाइन करो, फिटनेस पे ध्यान दो। तो आज है हमारा 30 मार्च 2019, मैंने लोकल जिम में भी जाके बात कर ली है और मंडे से, मतलब कि 1 अप्रैल से हम जिम ज्वाइन करने जा रहे हैं। और सुबह हमने क्लासेस को 5 की जगह पे 6 कर दिया है, 1 घंटा हम वॉकिंग वगैरह भी करेंगे। वाइफ को खाने के लिए बोल दिया है कि सिंपल खाना चाहिए, नॉर्मल उबला हुआ। और प्रॉब्लम ये है कि टॉन्सिल भी है हमें, अभी प्रॉब्लम ये भी है, अब ठंडा खाना सेब संतरा वगैरह खा नहीं सकता क्योंकि टॉन्सिल बढ़ जाता है, यूरिन एसिड बढ़ा हुआ है, इसलिए हम जो हमारे चने वगैरह होते हैं वो खा नहीं सकता, डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकता। तो लग रहा है कि सिर्फ वेजिटेबल्स को ही उबाल के खाना पड़ेगा, रोटी के साथ और कुछ नहीं। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? बैंक में अकाउंट में पैसा भरा हुआ, घर में राशन भरा हुआ है, 3 साल खाए इतनी राशन गांव में भरी हुई है, अनाज खेत से अनाज होता है और 3-4 साल चल जाता है अनाज, एक बार 1 साल जो उपज होती है वो करा हुआ है, फिर भी हम ना खाएं, ना खाने के लिए मजबूर है। कभी ऐसा दिन था जब खाना चाहते थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे, अब पैसे भी है, खाना भी है, लेकिन हम खा नहीं सकते या खाया नहीं जा सकता या पचा नहीं पाए। क्या हो सकता है लाइफ में? शायद मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई गलती उससे हुई है जो ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी सजा दी है। मुझे लाइफ में इससे बड़ी सजा नहीं, क्योंकि मैं खाने का बहुत शौकीन था शायद। सो जिंदगी निराश सी हो गई है। आप लोग इस पे कमेंट कीजिए ताकि मैं फिर से एक्टिव हूं और वापस आऊं एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में। हालांकि ट्रेनिंग में छोड़ूंगा नहीं मध्य दम तक, मैं एक्सेल और एक्सेल की ट्रेनिंग पे तो मैं मध्य दम तक नहीं छोड़ूंगा और मैं पढ़ाता रहूंगा, लेकिन उत्साह घटते जा रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सलाह दीजिए ताकि उत्साह रहे और मैं डेली रात में इसी तरह से आपके साथ अपने पर्सनल दिन लाइफ में आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर एक दिन आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आपने मुझे बहुत बहुत आप लोगों ने साथ दिया है मुझे मेरे कैरियर को। सो प्लीज हर रात की वीडियो अपलोड होगी, उसको देखिएगा जरूर और अपने कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट पॉजिटिव कीजिएगा प्लीज। थैंक्स, नमस्कार, शुभ रात्रि।